हम चुनाव के लिए कभी हम लोगों ने राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाया। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आस्था और श्रद्धा का मुद्दा रहा है। आप स्मरण करें 1989 में पालमपुर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहली बार खुल करके हमारी पार्टी ने इस राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया था, तो उस समर्थन के समय भी पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में साफ लिखा था कि राम मंदिर देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, भाजपा इस आस्था का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर निर्माण का समर्थन करती है और उस मत पर हम आज भी कायम है। आगामी चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के युग में विकास की अनंत कार्य हुए हैं और देश को नए भारत की दिशा में ले जाने में, दुनिया में अग्रणी बनाने में विकास के अभी अनंत काम बाकी है। उसी विकास जो किया गया है और विकास जो करना है, यही हमारे चुनाव का मुद्दा होगा। अभी इस समय जो मेरा आना हुआ है वह बूथ समिति के अभिनंदन कार्यक्रम के तहत हुआ है। अभी मैं शहर में प्रवेश से पूर्व यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर लगभग पचकोरा गांव में, वहां उस सेक्टर के 11 बूथ समितियों का, बूथ अध्यक्षों का अभिनंदन मैंने संपन्न किया। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पार्टी इकाइयों को एक्टिवेट करने में लगी है। जब प्रवेश किया, मेरी जानकारी में आया है कि धान क्रय केंद्र खुलने का क्रम अभी शुरू नहीं हुआ। मैं आपको जानकारी दूं, ये कोऑपरेटिव से जुड़े सचिवों की हड़ताल के कारण इसमें बाधा थी। मैं अभी रास्ते में ही मैंने सहकारिता मंत्री से बात की है, दो राउंड मेरी वार्ता वो रायपुर में थे, वार्ता चलते हुए सारी प्रक्रिया पूर्ण करके मुझे उन्होंने सूचना दी है कि हड़ताल खत्म हो गई है, अब धान क्रय केंद्र खुलने की प्रक्रिया तत्काल शुरू हो जाएगी। और सायंकाल अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं वीसी करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिलाधिकारियों से इस धान क्रय केंद्र के बारे में विशेष निर्देश देने वाले हैं, जैसी मुझे सूचना है। और ये मैं आपको जानकारी दूं, हरदोई के ही जागरूक नेताओं ने और आप सब सम्मानित पत्रकारों ने मुझे जानकारी दी। जब मेरा प्रवेश हुआ मैंने तत्काल इसके बारे में पहल की और अभी तक समाधान भी।